भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। तो नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है और अभी हम पहुँचे हैं माता एकवीरा के दरबार में। तो बस अभी गाड़ी पार की है, अभी हम जा रहे हैं। गाइज इसकी मेन पार्किंग थोड़ी आगे है इस तरफ से, और पार्किंग फुल होने की वजह से आप देखोगे तो पूरे रास्ते में गाड़ियाँ लगी है, क्योंकि नवरात्र में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली जो कोली आगरी कम्युनिटी के हैं, ये इनकी कुलदेवी है, तो हमारी भी ये कुलदेवी है। तो चलो, ये आ गई सामने पार्किंग, अब देख सकते हो ये गेट है और ये ऊपर मंदिर है। ये पार्किंग ऐसी ही कुछ है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट लिमिटेड स्पेस होने की वजह से इतनी है। सो गाइस, जो चल के आते हैं उनके लिए देखिए, ये सीढ़ियाँ आती है यहाँ से और यहाँ पे ये ज्वाइन होती है। तो गाड़ी वाले ऑलमोस्ट आधा रास्ता ऊपर चले आते हैं, और बाकी के लोगों को अगर आप चल के आ रहे हो तो आपको नीचे से पूरा चल के आना पड़ता है। तो ये अभी आगे जाके राइट साइड में एक छोटा मंदिर है, उसको आप रक्षक देवी भी बोल सकते हैं, इसको पांच पैरी बोलते हैं हम लोग। तो ये राइट में देखिए आप, एकवीरा पांच पैरी पादुका मंदिर। ए भगवत, तो गाइस जैसे आपने देखा कि हमारा जो दर्शन हो चुका है, पांच पायरी जो है बीच में जो है वहाँ का, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं माँ के दरबार में। यहाँ से अच्छा खासा व्यू है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बैनर्स लगा दिए, तो ये सब बदलना चाहिए। मतलब बैनर्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये व्यू ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए सुपर ब्यूटीफुल, सुबह का हल्का हल्का फॉग है। और यहाँ से हल्का पानी बह रहा है, क्योंकि बारिश रुक के ऑलमोस्ट दो हफ्ते हो चुके हैं, और यहाँ पे जो भी वाटरफॉल्स है या नदियाँ हैं इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन द मानसून रेन। तो जैसे बारिश के बाद टाइम निकलता है आगे, तो पानी भी कम हो जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हो आगे कोई जा रहा है जो हर स्टेप पे एक कापूर जला के जा रहा है, लेकिन आप खुद सोचो इज इट सेफ, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे औरतें साड़ियाँ पहन के आती हैं। आप सोचो इतनी भीड़ में किसी साड़ी में अगर अंगार लगता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, हम इतनी उम्मीद करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि समय के साथ लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। मैं थोड़ा हाँप रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में सामान है और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ऊपर माता के मंदिर में, माता के दरबार में, और आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ है ये। यहाँ से आपको लाइन लगानी है। तो चलो, यहाँ पे मैं ज़रा अपनी वाइफ की राह देखता हूँ और फिर दर्शन की लाइन में हम जाएंगे।
चलो मैं तब तक यहाँ के आपको नज़ारे दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये अभी माता के दर्शन के पर्दे हैं, लगे हुए हैं। आप देख सकते हो बड़े स्क्रीन पे कि थोड़ी देर में खुलेंगे और फिर दर्शन शुरू हो जाएगा। तो चलो यहाँ से अभी दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, हमने लाइन है ना बाहर तक लगाई है, लेकिन आज नवरात्र का तीसरा दिन है और शायद से इसीलिए भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन जैसे दिन अभी बढ़ेंगे और यहाँ पे अष्टमी का हवन होता है, हवन के दिन तो आप बेहिसाब लाइन होती है, बेहिसाब, और बहुत भीड़ होती है। तो चलो अच्छी बात है, माता की कृपा से हमारे दर्शन जल्दी हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत के। वैसे दिक्कत होती नहीं वैसे, क्योंकि हम इतनी दूर आते हैं तो माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो थोड़ी भीड़ रहेगी तो कोई नहीं, क्योंकि पूरे मुंबई महाराष्ट्र से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। लेकिन अगर आसानी से दर्शन मिले तो क्या ही बात है। तो चलो गाइस आप देख सकते हो, अगर आप इसको बोलते हो कि ये भीड़ है तो ये कुछ भी नहीं है। तो अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि माता की पूजा चल रही है, इसके लिए ये पर्दे बंद है, आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। और जैसे ये पर्दे खुलेंगे तो दर्शन शुरू हो जाएंगे और ये लाइन चलना शुरू होगी, तब तक हमको राह देखना है। तो गाइस बराबर 7 बजे पर्दे खुले और फिर आरती हुई, बस जस्ट आरती हुई है, अभी दर्शन शुरू हो जाएंगे। गाइस आपने ये जो देखा है ये माता के लिए चढ़ावा है, मतलब हर साल नवरात्र में हम जब ये आते हैं तो एक परंपरा हो चुकी है ये। तो बस अभी एंट्री आ चुकी है हमारी, यहीं से हमारी एंट्री है और 10 मिनट में हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस अभी मैं जो कार्विंग आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरे मंदिर में, ये कार्विंग मेरे मामा ने की है। यस, मेरे सगे मामा ने ये पूरा कार्विंग का काम मेरे मामा ने किया है, आप देख सकते हो। थोड़ा फ्रेम में अभी आता नहीं रहेगा, आपको दिखेगा अभी। चलो गाइस दर्शन हो चुके हैं, थोड़ी भीड़ है यहाँ पे, मतलब हमको रुकने नहीं दिया, बात तो सही है क्योंकि नवरात्र चल रही है। सो गाइस जैसे मैंने कहा दर्शन हो चुके हैं, ज़्यादा रुकने हमें दिया नहीं क्योंकि भीड़ काफ़ी है। सो गाइस अभी हम मंदिर के पीछे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे भी इसको कुछ बोलते हैं, मैं बताता हूँ चलो पूछ के। तो पहले यहाँ से आगे भी जाने देते थे क्योंकि आगे जो ये जो पत्थरों में ना पहाड़ों में जो ऐसे होल जैसे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, तो उसमें वो पूजा होती थी और पहले आगे भी जाते थे, अभी यहीं तक अलाउड है क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स, शूटिंग स्टोन्स है।
दर्शन हो चुके हैं, माता के भी दर्शन हुए, नीचे पांच पैरी के भी दर्शन हुए, माता के भी दर्शन हुए और यहाँ पे भी दर्शन हुए। तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं नवरात्र में आया हूँ, क्योंकि इतने जल्दी दर्शन कभी भी नहीं होते यहाँ पे। तो चलो अब मैं आपको यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ। सो गाइस जिस भीड़ का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो चलो अभी मैं उसका आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी वहाँ तलक लाइन लगी है। सो गाइस आप देख सकते हो अभी भीड़ उमड़ पड़ी है। अच्छा हो गया हम जल्दी आ गए, इनफैक्ट 3 बजे का प्लान था, हम लोग 4 बजे निकले। सो गाइस अगर ज़्यादा भीड़ है, अगर ज़्यादा भीड़ हो तो कभी कभी भक्त लोग यहाँ से भी दर्शन कर लेते हैं, मुख दर्शन, यहाँ से माता के मुख दर्शन होते हैं, तो देख सकते हो। तो गाइस आप जो देख रहे हो ये पीछे, ये एक मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करती है। और मैं जब स्कूल में था तभी यहाँ पे अंदर तक गया था, अभी ये अंदर अलाउ नहीं करते बिकॉज़ ये जो रॉक फेस है ये थोड़ा थोड़ा कभी गिर भी जाता है। तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं, मैंने आपको अच्छा खासा यहाँ का व्यू भी दिया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अभी जस्ट 8 ही बज चुके हैं और जैसे ये दिन बढ़ेगा, सो गाइस जैसे मैं कह रहा था भीड़ काफ़ी हो चुकी है और जैसे ये दिन अभी बढ़ेगा और भी भीड़ हो जाएगी। मतलब ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको ऐसा पूरा खचा खच भरा रहेगा, एक 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 मतलब एक एक जगह तक ही ये लाइन सीधी जाएगी, उसके बाद ये zigzag ये बाहर भी हो जाएगी जैसे अंदर हो रही थी। तो देखो लाइन गाइस, अभी ये गेट तक आ चुकी है ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ये गेट तक जाएगी सामने जो है, और उसके बाद ये गोल घूमना शुरू हो जाएगी। चलो नीचे भी भीड़ हो जाएगी, मतलब गाड़ी निकालने के लिए भी, तो अभी चलते हैं नीचे, सीधा पार्किंग में मिलते हैं और पार्किंग से फिर आगे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये मन्नत इन्होंने की है और पूरे माता के मंदिर तक ये घुटनों के बल जाएंगे, तो मानना चाहिए इनको। और इनकी जो भक्ति है और जो मतलब जो डेडिकेशन है ना, हैट्स ऑफ टू इट।
और मैं अभी ऐसे ही बोल रहा था कि पिछले हफ्ते हम बैंकॉक में थे और ये हफ्ते हम हैं इक्विरा में, लोनावला। तो मतलब ज़िंदगी घूमने वाली होनी चाहिए, मुझे पसंद आती है ऐसी ज़िंदगी। ज़रूरी नहीं है आपको दूर जाना है, बट जो वीकेंड होता है उसमें भी आप है ना एक पूरा हफ्ता जी लेते हो। तो गाइज इन्होंने एकदम फर्स्ट क्लास जगह पे ये रेस्टोरेंट या होटल आप बोल सकते हो खुला है, बहुत सही व्यू है वहाँ से। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं खाते, हमारी एक अलग जगह जहाँ पे हम लोनावला आते हैं, इस तरफ से अगर गुजरते भी रहेंगे तो एक अलग जगह पे हम लोग नाश्ता करते हैं। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हम लोग कहाँ पर खाते हैं। तो चलो अभी यहाँ से पार्किंग में हम पहुँच चुके हैं, तो ये मेन पार्किंग है, लेकिन ये फुल होने की वजह से हमने थोड़ा आगे गाड़ी पार्क कर दी है, तो अभी वहीं पे चलते हैं। तो गाइस पहले ये रोड है ना यहाँ तक ही था और अभी ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये जब भी छोटा रोड था तो अगर दो गाड़ियाँ आती है तो निकलने में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों तरफ पार्क भी होती थी और उसके बीच वाले हिस्से से दो गाड़ियों को पास होना मुश्किल हो जाता था। तो इन लोग अभी रोड वाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और देखो काफ़ी खूबसूरत है ये, इस जगह को अगर ढंग से अगर कुछ करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह हो जाएगी, ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, तो आपको मालूम है लोनावला हम आते हैं तो एग्जैक्टली कहाँ पर नाश्ता करते हैं। तो दिस इज़ द प्लेस, ये मन शक्ति इनका रिसर्च सेंटर भी है, ये प्रयोग केंद्र है। मैं आपको मतलब आप अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, मतलब स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इन लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए मनशक्ति ये लिखा है ऊपर, और ये इनका पीछे यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रीमाइसिस है और यहीं पर इनके क्लासरूम्स होते हैं और इनकी एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ पर सबसे बेस्ट बोला ना, सबसे बेस्ट अगर महाराष्ट्र में आपको खाना है लोनावला में आप यहाँ पे खा सकते हो, सस्ता भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो चलो अभी देखते हैं हमको अंदर क्या खाना है। तो दोस्तों ये ऐसे ही इनका कुछ ये कैंटीन है, यहाँ पे सिटिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी है फिर भी। तो पहले इन पे इनको यहाँ पे आपको इनका ये मेन्यू है, इसमें से आपको चूज़ करके यहाँ से कूपन लेना है और फिर वहाँ पर वो आपको सर्व करते एज इन आपकी जो भी है आपको देते पार्सल। तो गाइस हम लोग का नाश्ता आ चुका है एंड दैट इज़ मिसल, एक वड़ा विद दिस लाल चटनी, ये भी मिसल है, यहाँ पे पाव है, अमीर वड़ा। तो भूख भयंकर लग चुकी है और अभी खाते हैं भाई, मतलब चलो खाते हैं बाद में मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस नाश्ता हो चुका है और मन शक्ति का नाश्ता करके मन शांति मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह से बहुत भूख लगी थी, कुछ खाया नहीं था, तो अभी प्लान ये है यहाँ से अभी निकलेंगे और स्वामी समर्थ का मठ है इसी के पीछे, बस थोड़ा ही आगे है, वहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं, मतलब इक्विरा माता का दर्शन करने के बाद वहाँ पे जाते हैं। मठ मतलब आश्रम बोल सकते हैं। तो श्री स्वामी समर्थ, अगर आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र से, तो आपको मालूम रहेंगे, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं श्री स्वामी समर्थ के मठ में, जो मानस शक्ति के पीछे की तरफ, मतलब थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं। तो दिस इज इट। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट अंदर इतना सुकून है, इतनी शांति है, आपको है ना पिन की आवाज़ भी आएगी, इतना शांत है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ के भी हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो अभी यहाँ से अभी निकलेंगे, अभी बस लोनावला में एक स्टॉप है,
कहाँ पे स्टॉप है मैं आपको बताता हूँ. दिस इज ऑल्सो लोनावला बट सिटी में एक स्टॉप है. इसका काम है वो. तो भाई जैसे मैंने कहा था हमको लोनावला में काम है, मेरी बेटी का काम है. तो वी आर एट डायमंड सिटी. अगर आप मुझे फॉलो करते हो मैं बाइक पे भी रहूं. मतलब इनफैक्ट एक बार गोवा से यहाँ से गुजर रहा था, बस चिक्की ली और मैं यहाँ से निकला. तो इनके पास बहुत अच्छी चिक्की होती है, मतलब इनका खुद का प्रोडक्शन है. और काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब थर्ड जन मेरे नाना नानी भी यहाँ यहीं से लेते थे, फिर हम लोग ले रहे हैं, मेरी मम्मी डैडी यहीं से लेते थे और अभी हम लेते हैं यहाँ से. क्रश आधा से दोन कलर ऐसा वेगा वाटता है नहीं, कलर नहीं अभी डार्क. हमने लिया है ये फरसान है, नमकीन है, नमकीन है ये. तो इनके पास नमकीन भी अच्छा आता है, चिक्की भी बहुत अच्छी रहती है. इनफैक्ट एक मैं रेकमेंड करूँगा, एक थ्री बेरीज जैम आता है, थ्री बेरीज का अलग 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 तीन बेरीज का जैम आता है जो बहुत अच्छा है. मतलब मैं यूजुअली ख़त्म हो गया तो लेके जाता हूँ. तो चलो अभी इनका बिल भरते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं. गाइस भी हम लोनावला से थोड़ा आगे आए हैं, मतलब लोनावला में ही है अभी. दिस इज़ लाइक खंडाला घाट शुरू हो रहा है और यहाँ पे रुकना एक रिचुअल हो गया. मतलब कितने बार रुके हैं लेकिन फिर भी रुकना ज़रूरी है एक बार दो. तो चलो यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं. तो गाइस नज़ारे देख लिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहेंगे. तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा. पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.